बाप्पा को विदाई देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मुंबई की सड़कों पर इस वक्त हमें लालबाग इलाके और यहाँ पर नाचते गाते इन भक्तों को देखिए। ये ऐसा आस्था का सैलाब है जो एक दिन के लिए पूरी मुंबई को रोक देता है। साथ ही में मुंबई के हर एक नागरिक जो है आज के दिन इस विसर्जन में शामिल होते हैं इस उम्मीद से कि वो बापा को विदाई दे सके। इसी विदाई के साथ वो बापा को प्रार्थना करते हैं कि बापा अगले बरस तू जल्दी आ। और यहाँ पर जो है बापा को विदाई देने के लिए न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ पड़ रहे हैं। और श्रद्धालुओं का कहना है कि बापा ने 10 दिनों तक उन्हें जो है पूजा अर्चना करने का मौका दिया, आरती करने का मौका दिया और अब बापा को हंसते गाते हुए विदा करना चाहते। और यही वजह कि यहाँ पर श्रद्धालु जो है अपने अपने तरीके से बापा को विदाई दे रहे हैं। एक ऐसा पल है जो हर कोई गणेश भक्त आज के दिन थाम लेना चाहता है, अपने दिलों में सहेज लेना चाहता है, क्योंकि आज बापा जा रहे हैं लेकिन बापा के विसर्जन की सुनहरी यादों को इस तरह से रास्ते गाते हुए अपने साथ कैद कर लेना चाहते हैं। आज भक्तों के माथे नम भी है लेकिन वो चाहते हैं कि हंसते नाचते हुए बापा को विदा करें। सामने आप तस्वीर देखिए मुंबई के राजा की, गणेश गली के बापा की। इन्हें मुंबई में सबसे पहले विसर्जन का मान मिलता है। यहाँ से शाही सवारी निकली है गणपति बापा की, गणेश गली के राजा की। और आज यहाँ पर बापा के विसर्जन में भक्तों का सैलाब देखकर आप अनुमान लगा सकते किस तरह से भक्त जो है आज के इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, नाचते गाते हुए अपने बापा को अलविदा कहना चाहते हैं। और इसी के साथ भक्तों का यही कहना है कि अरे बार वो इंतजार करेंगे, बापा जरूर जा रहे हैं लेकिन अगले बरस को जल्द आए, इस तरह की कामना भक्त कर रहे हैं। कैमरा मैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।